नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रंजन अभिषेक। अभी हम लोग श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा परिसर में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मुकेश शर्मा जी। मुकेश शर्मा जी इस आयोजक मंडली के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, सचिव हैं इस आयोजक मंडली के। तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ रामलीला की तैयारी रही इस बार की। कोरोना महामारी के बाद 2 साल के अंतराल के बाद जो है 2-3 वर्षों के बाद लगभग यह आयोजन किया जा रहा है। मुकेश जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि यह दो तीन साल का जो अंतराल रहा और उसके बाद इस बार यह आयोजन किया गया, तो कैसी तैयारी रही, क्या कठिनाइयां आई 3 साल के बाद फिर से इसको शुरू करने में? अभिषेक जी, आप ही के सामने सारी तैयारियाँ हैं, पूरे क्षेत्र के सामने सारी तैयारियाँ हैं। 2-3 साल कोरोना में हम लोग रामलीला नहीं करा पाए क्योंकि पूरा शहर ही त्रस्त हो गया था कोरोना काल के अंदर, कि कोई गुजर जाए तो मैंने शहर बंद होते देखा है, कोई गुजर न जाए शहर पहली बार बंद होते देखा है। उस दौर से हम निकले और निकलने के बाद अब फिर दोबारा से फिर भगवान ने वो वक्त ला करके दिया है कि वक्त वक्त को ठीक कर देता है, वक्त को भी वक्त चाहिए। वो फिर वक्त आया है, इस शहर के सब लोग फिर इस रामलीला से जुड़े हैं और हम लोग इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलना चाहते हैं, उनके सभी संस्कार बांटना चाहते हैं और स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। पूरा महापुरुषों के यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई हुई हैं जिससे उनके संस्कार, उनके सब चीज़ें ये क्षेत्र पूरा देख सके और अपने अंदर धारण कर सके। बहुत बढ़िया। और इन्होंने जो एक बात कही कि कोरोना महामारी के दौरान निश्चित रूप से विश्व भर में एक रात्रि काल था, एक अंधेरा का समय था, उसके बाद से जिस प्रकार से सूर्योदय हुआ अर्थात प्रकाशमान हुआ दुनिया में और फिर हम लोग रामलीला राम के दर्शन में जुट गए, यह इस बात को दर्शाता है कि हर रात के बाद सुबह होगी। और जो अब हम देख पा रहे हैं, जैसा कि मुकेश जी बता रहे थे कि उस समय में सहने बंद थी जी, अब क्या संदेश देना चाहेंगे आप उससे अब तक ये आयोजन को लेके? मैं इस रामलीला कमेटी की तरफ से 2 मुक्तक के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, कफन है अगन के लिए या दफन के लिए, यारो जियो फकत उम्र के 4 दिन, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए। ये मैं कहना चाहूँगा और एक संदेश रामलीला कमेटी की तरफ से और देना चाहूँगा कि तुम जलो हम जलें एक रोशनी के लिए, 100 सितम भी सहें चांदनी के लिए, जिंदगी के लिए सांस लेते हैं सभी, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए। ये रामलीला कमेटी आपको दशहरे की बधाई देती है, पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देती है और सब एकजुट रहें, स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको बारम्बार दशहरे की शुभकामनाएँ। बहुत धन्यवाद सर। आपको बता दें कि मुकेश शर्मा जी एक प्रतिष्ठित कवि हैं, एक प्रतिष्ठित मंचीय कवि हैं और वो बातचीत में आप समझ गए होंगे, वो उनकी जो भाषा शैली और उनका जो बीच बीच में मुक्तक के माध्यम से जो संदेश था वो इस बात को दर्शाता था कि एक कवि से हमारी बातचीत हो रही है। मुकेश जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। कैमरा सहयोगी शैली के साथ रंजन अभिषेक, ग्रेटर नोएडा।